जनपद बहराइच के थाना फखरपुर में रामलीला मैदान स्थित माधोपुर तालाब में नहाने गए एक युवक की डूबकर हुई मौत। घंटों शव की तलाश में तालाब में गोता लगाते रहे लोग। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों की माने तो युवक नशे में धुत था और तालाब में नहाने गया था, जिसके बाद उसको डूबने से मौत हो गई। रविवार को एक युवक की तालाब में डूबने की मौत की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग इकट्ठा होने लगे। इसकी सूचना गाँव वालों ने ग्राम प्रधान हासिर खान को दी। मौके पर पहुंचे प्रधान ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी। घंटों मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। मृतक युवक की पहचान अरुण कुमार पुत्र राम नरेश 26 वर्ष से बताई जा रही है, जो अख्तियारापुर थाना फखरपुर निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दे दी है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया था और क्या नाम है इसका? ये माधोपुर में एक तालाब है रामलीला मैदान में, जिसमें एक व्यक्ति अभी डूबने की खबर मिली हम लोगों को और हम लोग फौरन आए, रेस्क्यू किया गया। रमेश बाबा ने बहुत मेहनत किया तमाम लड़के पूजियों से। तो ये छलिया गांव का है, अख्तियारापुर गांव है। अरुण कुमार नाम है इसका, उम्र लगभग 26 वर्ष 27 वर्ष की है और ये छलिया गांव का है अख्तियारापुर। उनका यहाँ पिताजी का नाम राम नरेश है और रेस्क्यू किया गया, इसको बाहर निकाला गया है। बाकी पीएम के लिए पुलिस भेज रही है।